वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू गाइस आर वाचिंग तोशिका चैनल। सो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टुडेज़ वीडियो आई एम गोना टेल यू 10 विंटर केयर टिप्स। जैसा कि हम जानते हैं सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में सबसे ज़्यादा स्किन इश्यूज़ होते हैं लाइक ड्राई इची क्रैकी स्किन चैपे लिप्स क्रैक हील्स। तो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी। लॉट ऑफ पीपल थिंक जो वो रेगुलर बेसिस पे स्किन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं वो विंटर में भी यूज़ करें तो इनफ होता है, बट दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। विंटर में जबकि हमें सबसे ज़्यादा स्किन केयर की ज़रूरत होती है और वो क्यों ज़रूरत होती है मैं वो आपको बता देती हूँ। बेसिकली द रीज़न बिहाइंड दिस, ड्यूरिंग विंटर क्या होता है ना, एयर में जो मॉइस्चर लेवल होता है वो कंपेरेटिवली टू अदर सीजन बहुत लो होता है, जिसके कारण हमारी स्किन डिहाइड्रेट होने लगती है एंड विच लीड्स टू ड्राई इची एंड क्रैकी स्किन। रीज़न हमें ठंड में स्किन इश्यूज़ होते हैं इतने सारे। तो अगर आपको भी ऐसे स्किन इश्यूज़ हैं विंटर सीजन में तो ये जो मैं टिप्स आपको बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो प्लीज़ कीप। सो माय फर्स्ट टिप इज़ वेन एवर यू गो टू टेक शावर यू जस्ट गिव अ गुड मसाज टू योर बॉडी यूजिंग एनी काइंड ऑफ ऑयल, ईदर मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल। यहाँ पर मैं कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। इन विंटर्स वैन एवर यू टेक शावर यू जस्ट मेक श्योर कि आप ल्यूक वार्म वाटर का यूज़ करें, बिकॉज ल्यूक वार्म वाटर से हमारी स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं होती है। तो माई सेकेंड टिप इज़ आप हफ्ते में एक बार अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करें किसी भी स्क्रबर का यूज़ करके, जो कि डेड सेल्स को रिमूव कर देगा एंड विच हेल्प्स मॉइस्चराइजर टू पेनिट्रेट डीप इन टू द स्किन एंड इट विल मेक योर स्किन हाइड्रेटेड। सो आफ्टर शावर यू जस्ट ड्राई योर सेल्फ यूजिंग अ क्लीन टॉवल। सो माई थर्ड टिप इज़ आप आफ्टर टेकिंग शावर आप कोई भी अच्छा हेवी क्रीम मॉइस्चराइजर यूज़ करें या वैसलिन या कोकोनट ऑयल, जिससे कि हमारी बॉडी नरिश रहे हाइड्रेटेड रहे। विंटर्स में आप मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाएं चाहे आपकी स्किन ऑयली क्यों ना हो, क्योंकि ऑयली स्किन का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑयल्स, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड है। सो उसको डिहाइड्रेट ना होने दें, ऑयली स्किन वाले भी मॉइस्चराइजर लगाएं। माय फोर्थ टिप इज़ आप हफ्ते में एक बार अपने फेस को एक्सफोलिएट करें। आप नेचुरल स्क्रब बना सकते हो यूजिंग हनी एंड शुगर। फेस एक्सफोलिएट करने के लिए आप कोई सा भी स्क्रबर यूज़ कर सकते हो, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। मगर मैं नेचुरल रेमेडी फॉलो करना पसंद करूँगी। मैं उसके लिए मैंने हनी और शुगर को मिक्स कर लिया है, इसके बाद मैं उसको अपने सारे फेस पे लगा लूँगी। You just need to exfoliate your face once a week in order to remove dead cells, which helps the moisturizer to penetrate deep into the skin and it will make your skin hydrated and more nourished. उसके बाद आप ल्यूक वार्म वाटर से अपना फेस क्लीन कर लें और क्लीन टॉवल से आप अपने फेस को पोछ लें और डैप करके ही पोछे, रगड़े नहीं आपके चेहरे को। आफ्टर दैट आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो, आप इसकी जगह गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने फेस पे स्प्रे कर लो। टोनर हमारे स्किन के लिए फेस के लिए बहुत नेसेसरी चीज़ होती है, आप इसे ज़रूर यूज़ करें। सो सीजन चाहे कोई भी क्यों ना हो आप सनस्क्रीन पहनना बिल्कुल ना भूलें, अच्छा SPF वाला सनस्क्रीन में। सनस्क्रीन हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाता है लाइक डार्क स्पॉट्स, फाइन लाइन्स, प्री मेच्योर एजिंग। सो डोंट फॉरगेट टू वेयर इट डेली। सो फिफ्थ टिप इज़ हाउ टू गेट रिड ऑफ क्रैक चीक्स। बचपन में आपने देखा होगा अपने गाल फट जाया करते थे, तो उसके लिए एक जो मम्मियाँ लगाती थी वो तो बेस्ट था मलाई। आप मलाई भी लगा सकते हो रात में या फिर बोरोलिन। मैं यहाँ पे बोरोलिन यूज़ करती हूँ क्योंकि बोरोलिन हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे डार्क स्पॉट्स रिमूव करता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है और सबसे बड़ी बात हमें गोरा चमकता दमकता चेहरा देता है। मगर एक चीज़ का ध्यान रखें, जिन्हें पिंपल्स आते हैं वो बोरोलिन बिल्कुल भी ना लगाएं। सो माई फिफ्थ टिप इज़ हाउ टू गेट रिड ऑफ क्रैक लिप्स। अगर सर्दियों में आपके होंठ फटते हो तो आप उन्हें एक्सफोलिएट कर सकते हो। एक्सफोलिएट करने के लिए आप घी और शुगर का स्क्रब बनाएं और आप अपने होंठों में अच्छे से उसे लगा के स्क्रब कर लें। सो आफ्टर स्क्रबिंग योर लिप्स आप अच्छे से क्लीन कर लें, टॉवल से पोंछ लें और कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं, वैसलिन यूज़ कर सकते हैं, बोरोलिन यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं होंठों को हाइड्रेट करने के लिए, और आप ये प्रोसीजर रात में भी फॉलो कर सकते हैं। बात का आप ध्यान रखें, आप बार बार अपने होंठों को चाटें ना क्योंकि उससे होंठ फटते हैं। सो माई सेवन टिप इज अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ योर क्यूटिकल्स। आपने ध्यान दिया होगा सर्दियों में हमारे नाखूनों के आसपास की स्किन फटने लगती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, और वो बहुत पेनफुल भी होता है। कई बार हम उसे नेल कटर से कट कर लेते हैं, मगर आप चाहें तो रात में सोने से पहले बोरोलिन या फिर कोकोनट ऑयल से अपने नाखून के चारों ओर अच्छी तरह से मसाज करें।
तो माई एट टिप इज हाउ टू गेट सॉफ्ट ग्लोई एंड ब्राइट स्किन. उसके लिए आपको क्या करना है, आधी बॉटल ग्लिसरीन लेना है, आधी बॉटल रोज वाटर ले लें, उनका अच्छे से मिक्सचर बना लें इक्वल क्वांटिटी में, और आप एक बॉटल में स्टोर करके रख लें फॉर फर्दर यूज. रात में सोने से पहले आप ग्लिसरीन रोज वाटर का मिक्सचर अपने हाथों में, पैरों में, नेक में और फेस पे लगाएं और सो जाएं. जब सुबह आप उठें तो ल्यूक वार्म वाटर से आप उसे क्लीन कर लें. आप यकीन नहीं मानोगे, आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट, इतनी ग्लोई हो जाएगी, ट्रस्ट मी. सो माई 9th टिप इज ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. आप जानते हो, आप जो भी खाते पीते हो आपके स्किन वैसे ही अफेक्ट करती है. सो ऑलवेज ट्राई टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर टू रिहाइड्रेट फ्रॉम द इनसाइड आउट. आप जितना पानी पियोगे आपकी स्किन उतनी हाइड्रेटेड रहेगी. सो माई लास्ट एंड 10th टिप इज हाउ टू टेक केयर ऑफ योर क्रैक्ड हील. इसके लिए आपको रात में सोने से पहले अपनी एड़ियों को अच्छे से घिसना है सैंडस्टोन से या कोई स्क्रबर से या एक्सफोलिएटर से, अच्छे से आप क्लीन कर लें. उसके बाद आप आपके टॉवल से उसको अच्छे से ड्राई कर लें, अपनी एड़ियों को अच्छे से पोंछ लें, और या तो आप वैसलीन या फिर बोरोलिन, मैं तो बोरोलिन का यूज़ करती हूँ, तो आप बोरोलिन को अच्छे से पैरों पर लगाएं, अपनी फटी हुई एड़ियों को भी लगाएं, अच्छे से पूरा अप्लाई करें. वैसलीन भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आपके पास कोई फूड क्रीम हो वो भी यूज़ कर सकते हो, बट बोरोलिन वैसलीन से अच्छा कुछ हो नहीं सकता. और उसके बाद आप मोजे पहन लें. या मैंने मुझे पहन लिए हैं, आई एम डन. एंड इसके बाद आप सो जाएं. जब आप सुबह उठेंगे तो आप खुद ही बहुत डिफरेंस पाएंगे, आपके पैर बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, आपकी एरिया अगर ज़्यादा फटी हैं तो वो हील होना शुरू हो जाएंगी. आपको मेरी टिप्स पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें. आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है. सो टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, एंड कमेंट करना ना.